गाइस आज हमारे साथ जो सीन हुआ ना वो बिल्कुल अद्भुत भयानक और भयंकर था। अभी आप लोग देखो मैं ग्रैंड मास्टर के 2 पे आ गया था और ग्रैंड मास्टर 2 पे आते ही मैंने फटाफट से एक और ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर को बुलाया, फटाफट से रैंक मैच को स्टार्ट कर दिया। और ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कि हम लोग ग्रैंड मास्टर पे होते तो सामने वाले बंदे भी ग्रैंड मास्टर वाले ही होते, तो हम लोग कुछ भी करके इस मैच को भुजिया तो निकालना ही था। अगर कि हम लोग इस मैच को भुजिया नहीं निकाल पाते तो हमारा बहुत ही गंदा माइनस हो जाता। तो इसलिए मैंने फटाफट से ऐसे गाली उठाई और मैंने क्या देखा कि यार जोर तो स्टार के ऊपर बन रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार के ऊपर चले जाते हैं, वहां से बंदे को मारेंगे तो इजी पीजी भुजिया हो जाएगा। यार भुजिया निकलने के लिए जो चीज मैंने सोची शायद सामने वाले ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर ने भी वही चीज सोची थी, इसलिए सारे बंदे टावर के नीचे इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर मैंने एक बंदे को डाउन कर दिया, बट यार मैं जैसे अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए आया पीछे से एक और बंदा आ गया, मैंने पीछे साइड में एक और ग्लू लगाया, फटाफट से उस बंदे को हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। अब जैसे मैं उस बंदे को डाउन किया मैंने क्या देखा यार जो तो उस टावर के ऊपर बना ही नहीं, अरे अभी का मेरा 60 सेंटीमीटर मार चुके हैं। अभी मुझे कुछ भी करके इस मैच को भुजिया तो निकालना ही होगा वरना मेरा बहुत ही गंदा माइनस हो जाएगा। मैं 1v4 करके इस मैच को भुजिया निकाल पाऊंगा? देखो जी मेरे सामने पूरे 4 बंदे खड़े हैं। चलो यार मैं काम करता हूं, मेरे पास 2 छोटे वाले लॉन्च पैड में फटाफट से एक लॉन्च पैड यहां पर लगाता हूं, उन बंदों के पीछे चला जाता ताकि उन बंदों को पता भी नहीं चलेगा और मैं उनके पीछे जाकर फटाफट से उनको मार के भुजिया निकाल लूंगा। बट यार ये क्या, मैं तो जोन के बाहर ही चला गया।